देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक 190 वर्ग गज में बना हुआ 4 BHK का हाउस दिखाने वाला हूँ, जो कि वैशाली नगर के बहुत ही नज़दीक है, सिरसी रोड से नज़दीक है। और यहाँ पे आप इसमें वर्क देख सकते हैं। फ्रंट का जो काम है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको मिंट में किया हुआ मिल जाएगा। जैसे आप ऊपर की तरफ देखोगे हाउस में, तो ऊपर का जो पोर्शन है, बालकनी एरिया है, वो भी काफ़ी आपको बड़ी साइज़ में मिलने वाली है। यहाँ पे सामने की तरफ आप देखिए, यहाँ के जो डिज़ाइंस है स्टोन की, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ प्लांटेशन के लिए कुछ एरिया आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। रैंप एरिया में ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। और ये अपना जो मेन गेट है, उसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके की है। पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेशियस मिल जाएगा, जहाँ पे आप फॉर्चुनर कार तक इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अगर मीडियम साइज़ की कुछ कार पार्क करना चाहो तो 2 कार इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वुडन फिनिश में बहुत ही प्यारा यहाँ पे कलर आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पे अपना एक बेडरूम है, जिसकी एंट्री अपने पोर्च के एरिया से और हॉल के एरिया से, दोनों जगह से हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, तो ये पोर्च का एरिया ही है जिसमें वाटर टैंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ है आपका ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम, 1 किचन, 2 बाथरूम मिलेंगे। और इसमें जैसे आप देखोगे, मेन अपना जो डोर है, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, माइका वगैरह कितनी खूबसूरत है। हैंडल्स वगैरह पूरे ही यहाँ पे मॉडर्न टाइप के हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए एक बार अपने जो हॉल का लुक है किस तरीके का है। 2x4 की यहाँ पे टाइल्स यूज की हुई है। और ऊपर की डिजाइन देखोगे तो सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा यहाँ पे करके आपको दिया जा रहा है। बीच में एक प्यारी सी यहाँ पे जो लाइट है वो लगाई हुई है। लिविंग एरिया के जस्ट सामने की तरफ है आपका LED का पैनल, और ये पैनल भी आप देख लीजिए। यहाँ है आपका वॉश बेसिन एरिया, और जो फर्नीचर का काम है वो भी बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे पीछे की जो अपनी वॉल है उस पर आप वर्क देखोगे, तो यहाँ वॉलपेपर का और वुडन का वर्क है, साथ ही फिनिशिंग जो है आपको मेटल फिनिश के साथ आपको ये वर्क मिल रहा है। अब यहाँ से आप देखिए एक बार इस एंगल से घर को, सामने की तरफ वो एक बेडरूम है, वहाँ एक कॉमन बाथरूम है, वो भी अभी हम देखेंगे। एक बार यहाँ पे किचन देख लेते हैं, तो किचन की जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके की है। ये आपका किचन है, पूरा मॉड्यूलर तैयार करा के दिया जा रहा है। और इसमें भी आप देखिए ऊपर की जो छत है वहां पे देख सकते हैं वर्क वॉलपेपर का है। सीलिंग में पीछे की तरफ विंडो है जो कि बैकयार्ड के एरिया की तरफ खुल रही है। और यहाँ आप ऊपर देखिए, कैबिनेट आपको डबल रूम में यहाँ पे तैयार करा के दिए जा रहे हैं। यह आपका सिंक एरिया है जो कि डबल टेप के साथ मिल रहा है। और यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉवर जो है वो देख लीजिए आप एक बार। अब मूव करते हैं हम यहाँ से बेडरूम की तरफ, तो ये आपका बेडरूम है, बहुत ही स्पेशियस साइज में है। 12x15 की साइज में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। इसमें वर्क देखिए आप एक बार। दोस्तों, JDA अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है और इंडिविजुअल हाउस है ये। अब देखिए इसमें बैकयार्ड का एरिया, बेडरूम में ही है अटैच में आपका ड्रेसिंग एरिया, बाथरूम, इसका लुक देख लीजिए। साइड में आपको यहाँ पे वार्डरोब मिलेगी। और यहाँ सामने की तरफ मिरर है, और ये है आपका बाथरूम। बाथरूम की फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप, टाइल वगैरह का वर्क जो है बहुत ही प्यारा है। अब चलते हैं यहाँ से सामने की तरफ, तो देखिए ये जो कॉमन बाथरूम है, अभी कुछ सामान इसमें पड़ा है, ऊपर वाला मैं दिखाऊंगा, एजी टाप को मिलने वाला है।
ये इसमें फ्रंट का बेडरूम है। इसमें भी देख लीजिए एक बार, जो वॉल पे वर्क है वुडन और वॉलपेपर का है। ऊपर की तरफ खूबसूरत सी यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई है, लैंप लाइट, और सीलिंग डिजाइन आप देख ही सकते हैं। यहाँ भी आपको मिल रहा है सामने की तरफ एक बड़ा सा एलईडी का पैनल, और इसमें वर्क आप देखिए। दोस्तों ये हमने ग्राउंड फ्लोर देखा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पे आपको एक मंदिर भी मिलने वाला है, और वुडन का जो काम है वो कुछ अलग तरीके का मिलेगा, बालकनी एरिया आपको मिलेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर है, और इसमें आप देख ही सकते हो वर्क किस तरीके का है। अपना जो हॉल का एरिया है उसमें देखिए, यहाँ भी है सामने की तरफ एक एलईडी का पैनल, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वुडन में तैयार किया हुआ मंदिर। और यहाँ देखोगे आप पीछे की तरफ तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। ये आपका बाथरूम है जो कि कॉमन और अटैच दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पीछे की तरफ जो किचन और बेडरूम है वो देखते हैं एक बार। ये आपकी किचन की एंट्री, और ये मॉड्यूलर किचन। ये आपका फिर से एक बड़ा सा बेडरूम 13x15 का। इसमें भी है साइड में वार्डरोब, और पीछे की तरफ आप देखोगे तो बालकनी एरिया यहाँ भी मिल रहा है आपको। ये देखिए यही आपका ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम। ये देखिए रेट जो है इसकी 1,51,00,000 रुपए है, JDA अप्रूव्ड है। अगर आपको इंटरेस्टेड इस प्रॉपर्टी में तो यार नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर साइट विजिट कर सकते हैं। ये आपका लास्ट बेडरूम है, 4th बेडरूम, और इसमें भी देखिए आप वर्क जो है, इसमें आपको डबल वार्डरोब मिल जाएगी साइड में। बीच में जो जगह है आपके बेड की यहाँ पे है, सामने की तरफ विंडो है बड़ी सी, और यहाँ है आपका स्पेशियस बालकनी एरिया। ये देखिए आप यहाँ के आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है वो आप देख लीजिए, और ये जो पार्ट है यहाँ आप झूला वगैरह कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। एलिवेशन लाइट वगैरह यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।